हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अभी मैं और अम्मा बनाने जा रहे हैं मालपूड़े। सिंपल से बनाएंगे, इजी से तरीके, मतलब बिल्कुल सिंपल से। और यहाँ पे गुड़ नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा गुड़ इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ तो गुड़ है ही नहीं। इस्तेमाल क्या करना, अम्म दस दीजिए स्कूल ले ऊपर भांडे अलमारी है जेते। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले आटा छान लूंगी, गेहूं का आटा। ठीक है, गेहूं के आटे से हम बनाएंगे। देखो, तो ये मैंने इसमें आटा छान लिया है, थोड़ा सा ही आटा है, ज़्यादा नहीं है। ये हमारी डेगची पुराने वाली, तो ये यहाँ पे चीनी है, तो इसको डाल देंगे अभी, चीनी को इसमें, है ना? बस हाँ, देखो बुझे रहे हैं कम थोड़े। होने। हाँ, थोड़े ही बंद है। बस, है ना? तो ये चीनी डाल दी हमने, गुड़ यहाँ पे नहीं है अभी। अभी नए घर में बहुत सी चीजें हैं जो नहीं है, तो अभी डाल देंगे हम इसमें पानी। ठीक है, और अभी हम इसको इससे घोल लेंगे अच्छी तरह से। हमारी चीनी भी गल जाएगी घोलते घोलते। और फिर इसको हमने रख देना है, मतलब थोड़ी देर के लिए रख देना है इसको ऐसे। अभी तो इसमें बहुत सारी वो है। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तो चलिए अभी मैं इसको घोल लेती हूँ अच्छी तरह से, काफी टाइम लगेगा इसमें। और भजन फिर लास्ट में देखूंगी, लास्ट में सुनाऊंगी। अम्मा जी, आपने कुछ बोलना है? जय माता दी, जय माता दी। सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आशीर्वाद। आशीर्वाद, जय माता दी। जय माता की। तो ये देखिए, इसको देखो, अब बिल्कुल घुल चुका है। और अभी भी नहीं, मतलब भी छोटे छोटे गिल्टे हैं इसमें, गुटलियां जैसी। इनको हम बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगे। और बारिश, बरसात के मौसम में मालपूड़े खाने का अपना ही मजा होता है। बाहर बारिश का मौसम है, मैं दिखाऊंगी आपको बाहर चल के थोड़ी देर बाद। अब इसको हम रेस्ट पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, फिर बहुत अच्छी बनती है कोई भी चीज़ आप बनाओ, चाहे फुलके हैं, चाहे चिल्ड हुए, चाहे कोई भी। आटे को थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखना बहुत जरूरी होता है। ये रख दिया, चीनी डालना। तो चलिए अभी हम बनाने जा रहे हैं मालपुड़े, बल्कि बना दिए हैं मैंने थोड़े से, दो तीन। पहले मैं चेक कर रही थी, एक मिनट में इनको पलट लेती हूँ। चुपरे गलानी भी ज्यादा ना बोले ना। गलान हुए तो बरसात के मौसम में मालपुड़े, भाई ये तवा है ना, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, रोटी बनाने का भी कर रहा है। पता चूल्हे पे मैं क्यों नहीं बना रही हूँ फुलके आजकल, क्योंकि मेरे को ये नॉन स्टिक तवा जो चूल्हे पे रखना है, और हमारा जो लोहे का तवा वो पार ही है अभी, पार्ले घर में, और वो किसी ने लाया नहीं है। तो इस करके जो अभी गैस का ही नंबर आ रहा है बल्कि आगे तो मतलब चूल्हे की मिलेगी आपको वीडियो जितनी भी मिलेगी। ये देखो, बहुत अच्छे। कहाँ रखे थे ये? साइड साइड मैं उठा देती हूँ ना इनको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये मैंने आपके बोलने पे वुडन का इस्तेमाल कर दिया नॉन स्टिक में शुरू। ज्यादा खाना इसमें नहीं बनेगा, हम अपने उसमें उसमें बनाएंगे, लोकल बर्तनों में जैसे हम बनाते हैं। तो इस पे मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या किया है ना। मैं इसको उठा लेती हूँ बस 2 मिनट। चलिए, तो ये रखा था मैंने यहाँ पे तवा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, थोड़े से मैंने बना भी दिए थे, और अभी यहाँ पे मैंने रख दिया है फिर से इसमें घी। तो चलो अब ये देखो, हमने पता एक काम किया मैंने, इसको मैंने जल्दी बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है ना, अगर मतलब थोड़ा और रह जाता है ऐसे ही घोला हुआ, तो इसको थोड़ा मतलब कम से कम ये 1-1.5 घंटा तो रहना चाहिए। 1-1.5 घंटा तो ये घोल जो हमारा ऐसे रहना चाहिए, फिर इसमें अच्छी जो बात आती है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो अभी मैंने इसमें चीनी ना दोबारा से डाली थी जो पहले दिखाई थी आप लोगों को। तो गेहूं के आटे के
बहुत खतरनाक मार्क हुआ। अब क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा उठाना है, ठीक है, बिल्कुल कम कम उठाना है, ज्यादा नहीं हमने लेना, नहीं तो फिर मार्क पूरे ना इतने गंदे से बनते हैं। और ये बैंगन ना यहाँ रखे हैं, ये उनको बनाएंगे हम शाम को नमकीन पे, तो यहाँ रखे थे फ्रिज में, रखे मन के बनाने तो है ही, परे काय को रखना है, ठीक है। तो बस इतना इतना ले रही हूँ मैं, आधी आधी करछी, और इस तरह से हमने डालते रहना है, ठीक है। फिर से आधी करछी लेनी, ज्यादा नहीं लेना, ये तवा काफी बड़ा है ना, तो इसके ऊपर ही आ रहे हैं, दो तीन दिन आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा मोटे मोटे उसमें बना रही हूँ इनको, ये देखिए, और ये आ गया यहाँ पे तीसरा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा बी साइज हो गया, पर एक चला गया इसका साइज थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला मेरे ख्याल में हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों ले लिए हैं लकड़ी के, और ये बड़े आसानी से यहाँ पे वाह बहुत आसानी से निकल रहे हैं ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इस तरह वाह। और इसको भी हम पलट देंगे, ये देखो, ये ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें, एक मिनट, आज पता नहीं क्या हुआ ना, एक चला गया साइज से बाहर, बाकी तो ठीक ही है, तवा बढ़िया है ना, ये पैन का काम भी कर लेता है, और मालपुड़ी बनाने के लिए तो वही ऐसी जैसी होती है ना, इस तरह की होती है थोड़ी सी प्लेन में, बहुत अच्छी। तो ये देखिए अभी मैं इनको उठा रही हूँ, ये देखो, इससे इनको अच्छी तरह से निचोड़ के, वाह जी वाह, खीर मालपुड़े मजे आ जाएंगे। ये मैंने लास्ट में डाला, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे मालपुड़े बने, बिल्कुल मालपुड़ों की तरह, गुड़ के ज्यादा अच्छे बनते हैं वैसे। चलो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए अभी मैं बना ही रही हूँ, मैंने बहुत सारे बना दिए हैं, ये देखो, मैं आपको ना एक भजन सुना देती हूँ कृष्ण भगवान का, मेरे को याद आया अभी, ये देखो ये बने हमारे मालपुड़ी, खीर बनाएंगे अभी शाम को, तो इतने को मैं आपको एक भजन सुना देती हूँ, और साथ में मैं ये भी बनाती रहती हूँ, नहीं तो हमारे ना तवा ये हो जाएगा, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, हो तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, हो तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, दयानुदा इसका बिगड़ गया का, दयानुदा वो तुम कहते हो मोहन तुम्हें मधुबन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन तुम्हें मधुबन प्यारा है, हो एक बार तो आ जाओ, बार तो आ जाओ, मधुबन भी ला देंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कह
माखन प्यारा है, कोई एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, माखन भी खिला देंगे। ओ तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। चलिए जी, मैंने सुना दिया आपको गाना भी नए घर में, ठीक है। तो अभी जो है बना लेती हूँ, बस थोड़े से रह गए। तो यहाँ पे खा रहे हैं सब लोग खाना। और यहाँ पे मैं इनको गर्म कर रही हूँ, मैंने जल्दी बना दिया था इनको ना, तो इनको मैं गर्म कर रही हूँ दोबारा से, तो बहुत ही टेस्टी बने थे। देखिए काफी सारे कमेंट आए थे, अभी हम लोग खाना खा बैठे हैं और काफी सारे कमेंट आए थे। मैंने सोचा कि चलो अम्मा से मैं जवाब भी दिलवा देती हूँ। फोड़ू रहा मैं, मेरे को फोड़ू रखा है। तो अभी ना अम्मा अपने आप बोलेंगे, भी अम्मा मैं करवाती हूँ क्या अम्मा से काम? नहीं, जय माता की। नहीं तेरे कुल करावा, मैं अपने आप करती। ये नहीं बैठती भाई, आप लोगों को नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं बैठती। ये मैं अगर कुछ कर रही हूँ ना, सुबह में बना रही थी यहाँ कुछ, और बैंगन ये मेरे साथ खड़ी होगी, बैंगन लगी कर। और जब तक ये चलती फिरती है ना, तब तक स्वस्थ है ना माँ। हाँ। और इसको मेरी दया भी लगती है ना माँ, ये सोचते मतलब मैं जबरदस्ती बुलवा रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सभी बोल रहे थे अम्मा को बैठ के दिया करो भाई खाना भी। हाँ। बोले भे नहीं, मैं चाहती कि मैं बैठू ना खाना खाऊ। कुछ करो। हाँ, कुछ काम करके करो। अम्मा को रोटी भी नहीं बचती ऐसे, तो उसको भूख ही नहीं लगेगी अगर काम। बहुत काम करती है भाई, बहुत ज्यादा काम करती है अम्मा, अभी भी मेरे से ज्यादा काम करती है ना माँ। तो बहुत सारे मैं भी कमेंट पढ़ रही थी, अम्मा को भी पढ़ा रही थी, मतलब मेरे को गालियां पढ़वाती है तो सारे सब्सक्राइबर से। मतलब सारे लोग बोलते हैं भाई पता नहीं, मतलब मैं करवाती हूँ अम्मा से काम। मैं सच में नहीं करवाती, मैं ऐसी बैठी लगती हूँ आपको कि मैं अम्मा से जबरदस्ती काम कराऊं? नहीं नहीं। और मैंने मालपुड़े आज ना अम्मा की फरमाइश पे बनाया था ना माँ। हाँ। मैंने पल्ले भी बनाने थे पर अभी कल चले जाने। देखती हूँ कल कब जैसे जाना इसने बनाई दू मैं ना, ना। दूध से करता नीचे जाएंगे तब देखेंगे। चलो अभी हम सो जाते हैं ना माँ। हाँ। अंदर जाके करेंगे बात।